मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उस एक्सरसाइज में 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, तो हम करते हैं और आप भी देखिए ध्यान से। ठीक है, लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेखा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3y एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है जिसमें यह सर्कल दिया गया है, यह लाइन दी गई है और प्रथम चतुर्थांश में वो हिस्सा होना चाहिए और इसके इन दोनों के साथ साथ एक्स अक्ष भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल पता लगाना है आपको। सबसे पहले तो हम ये पता लगाना चाहेंगे क्योंकि मुझे इनके फिगर बनाने हैं। अब फिगर बनाने के लिए मुझे इनकी जानकारी चाहिए कि कैसे और कहां बनेगा। उसके लिए दो चीजें हैं, क्योंकि यहां पर एक वृत्त और एक लाइन, मैं दोनों चीजों की जानकारी लेना चाहता हूं। बनाने के लिए मुझे उसका पूरा नॉलेज चाहिए। सर्कल में क्या है भैया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसा वृत्त देख करके क्या आप बता सकते हैं मुझे इसका सेंटर कहां पर आएगा? इसका सेंटर पड़ेगा 0.0 पर। और इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 2 यूनिट। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। ठीक है, ये वृत्त, वृत्त को बनाने के लिए मुझे केंद्र और त्रिज्या जरूरत थी, वो हमने निकाल लिया बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। बाकी कुछ चाहिए होगा हम बाद में करेंगे, बनाने के लिए बस इतनी जरूरत है मुझे। लाइन को देखो, लाइन में ये लाइन लिखी हुई है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, वाई इज इक्वल टू, ये इधर ले आओ, 1/√3x। अब आपको नहीं लगता कि ये लाइन वाई इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है? लगता है आपको भी ऐसा? अगर ये y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है तो ये लाइन का क्या तरीका होगा? इसकी प्रवणता पहले निकाल लो। अच्छा, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/√3। m की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। और 1/√3 किसकी वैल्यू है? tan 30। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इतना सारा कुछ जानने के बाद हम क्या बता सकते हैं रेखा के बारे में बताओ? हम ये बता सकते हैं कि y बराबर mx टाइप की हर लाइन पहली बात तो मूल बिंदु से जाएगी, दूसरी चीज वो धन x अक्ष से कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहां पर लिख देंगे रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरती है, रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तथा तथा धन एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने वृत्त की जानकारी निकाल ली और लाइन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली, वो जानकारी जिससे हम इसका फिगर अब बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले तो हम वृत्त बना देते हैं भाई। ये एक्स, ये एक्स डैश, यहां वाई और ये वाई डैश। ये वृत्त का सेंटर है, सेंटर मतलब 0.0। त्रिज्या कितनी है? 2 मात्रक। अगर ये सेंटर यहां पर है तो ये रेडियस ही तो होगा बेटा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ? 2। तो इसका निर्देशांक क्या बना? इसका कोऑर्डिनेट -2.0, इसका 0.2 और इसका 0.-2। ये सर्कल बना लिया हमने। अब हमें लाइन बनानी है, तो मूल बिंदु से गुजरेगी और एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये लाइन कैसे बना देनी चाहिए मुझे? ये लाइन हमें ऐसी बना देनी चाहिए।
ठीक है, इस तरह से इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वाई, वाई अंडर रूट से बाहर है, और इस वृत्त की समीकरण है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर, ये वृत्त की समीकरण है। ठीक है, अब आपको करना यह है पहले चतुर्थांश में वृत्त और रेखा एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा एरिया है ऐसा, ये वाला एरिया है ऐसा, दिखाई दिया आपको ये एक ऐसा पोर्शन है बेटा इस फिगर का जिसमें आप देखेंगे वृत्त भी आएगा, रेखा भी आ रही है, एक्स अक्ष भी आ रहा है और पहले चतुर्थांश में भी है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब कैसे निकाला जाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन हम एग्जांपल में भी कर चुके हैं आपको याद होगा। उसके लिए ये पूरा एरिया हम देखते हैं तो पूरा का पूरा पोर्शन ना तो लाइन के ही नीचे आ रहा है और ना तो पूरा का पूरा पोर्शन सर्कल के नीचे आ रहा है, थोड़ा लाइन के नीचे आ रहा है, थोड़ा सर्कल के नीचे आ रहा है। तो मुझे ऐसी सिचुएशन पे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक लंब मुझे ऐसा डालना पड़ेगा और मुझे इसका निर्देशांक चाहिए। इसका निर्देशांक कैसे बनेगा बता सकते हैं, उसके लिए मुझे वृत्त और रेखा का कटान बिंदु पहले निकालना पड़ेगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे वृत्त सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर तथा रेखा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वाई का प्रतिच्छेद बिंदु, पहले मुझे यह निकालना पड़ेगा। कटान बिंदु निकालेंगे फिर हम इस पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे कटान बिंदु, एक्स का मान इसमें रख देंगे हम वृत्त में, तो एक्स की जगह अंडर रूट तीन वाई लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। अब एक्स की जगह अंडर रूट तीन वाई लिखोगे तो कितना बन जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ये आ जाएगा फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, फोर से फोर वन टाइम्स में कैंसिल होगा और वाई प्लस माइनस एक आ जाएगा। अगर वाई प्लस माइनस एक आ जाएगा तो एक्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब y की जगह प्लस वन लिखोगे तो x आएगा प्लस अंडर रूट तीन, और जब y की जगह माइनस एक लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट तीन। इस तरीके से दो कटान बिंदु मिले, एक मिला अंडर रूट थ्री कॉमा वन और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिला माइनस अंडर रूट थ्री कॉमा माइनस वन, और चित्र में भी दिख रहा है कि दो जगह काट रहा है। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अंडर रूट थ्री कॉमा वन, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा माइनस अंडर रूट थ्री कॉमा माइनस वन। अब ध्यान से देखो, इस बिंदु का निर्देशांक अंडर रूट तीन कॉमा एक है, तो क्या बता सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अंडर रूट थ्री कॉमा जीरो। वेरी गुड, कैसे कि ये अंडर रूट तीन कॉमा एक कैसे बना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अंडर रूट थ्री है, फिर यह डिस्टेंस वन है तो ये अंडर रूट थ्री कॉमा वन बन गया। तो अगर ये डिस्टेंस अंडर रूट थ्री है तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट अंडर रूट थ्री कॉमा जीरो बना दिया हमने, ना समझ में आई बात। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बवाओ, देखो कैसे निकाला जाए बताइए। उसके लिए दो हिस्सों में निकाला जाएगा, एक तो लाइन के नीचे वर्टिकल स्ट्रिप ले करके और एक ये सर्कल के नीचे वर्टिकल स्ट्रिप ले करके। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे, दो हिस्सों में निकाला जाएगा, नाम दे देते हैं कुछ, ओ ए बी सी, क्या लिखना चाहिए बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। देखो जरा फिगर में दिख रहा है आपको ये सब कुछ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ फिगर, और कौन से फिगर का, ए बी सी ए, ए बी सी ए। बवा हो, यह चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई,
दोनों में वर्टिकल स्टीप हमने बनाई है, इसलिए दोनों में फॉर्मूला लगेगा वाई साथ में डीएक्स। ये ट्रायंगल वाले के लिए है, ट्रायंगल इसके लिए बताओ इसमें जो वाई आ रहा है ये वाई कहां से आएगा, रेखा से कि वृत्त से? वाई का मान रेखा से निकालेंगे कि वृत्त से निकालेंगे? रेखा से। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है, अगर आप इसमें इस स्ट्रिप के अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे ये एरिया किससे घिरा हुआ है, ये एरिया लाइन के नीचे का एरिया है, इसलिए ये हम लाइन से वाई की वैल्यू निकाल के लाएंगे। इस वाले हिस्से की लिमिट्स बता दीजिए मुझे, एक्स अक्ष से लेंगे कि वाई अक्ष से? एक्स अक्ष से लेंगे। एक्स का मान लेंगे कि वाई का? एक्स की वैल्यू लेंगे। तो चलना शुरू किया, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओ से। कहां पर खत्म हो रहा है? ए पर कि बी पर? ए पर। वेरी गुड। तो फ्रॉम जीरो टू अंडर रूट थ्री, फ्रॉम जीरो टू अंडर रूट थ्री प्लस एरिया ऑफ फिगर ए बी सी ए, इसका एरिया ए बी सी ए, इस छोटे वाले हिस्से का एरिया, इसमें भी वर्टिकल स्ट्रिप बनी हुई है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वाई डी एक्स। ये वाला वाई कहां से लेंगे? कर्व से, क्योंकि ये कर्व के नीचे का एरिया है। लिमिट्स इसकी कहां से कहां तक आएंगी बताइए। एक्स अक्ष से लेना है, एक्स की वैल्यू लेना है, और यहां से ए से स्टार्ट है बी पर खत्म, तो अंडर रूट थ्री से टू, अंडर रूट थ्री से टू। बउआ अब बताइए, इतनी चीज समझ आ गई सभी को? अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लाइन से वाई का मान निकालिए, ये वाई की वैल्यू है एक बटे अंडर रूट तीन एक्स, तो ये वन अपॉन अंडर रूट थ्री लिख दिया, यहां एक्स लिख दिया, ये डी एक्स लिख दिया, ये जीरो से अंडर रूट थ्री कर दिया हमने, ठीक। प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई फ्रॉम कर्व, कर्व से वाई की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर डी एक्स फ्रॉम अंडर रूट थ्री टू टू। बउआ मैं समझ में आया बेटा इतना आपको, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, एक्स को इंटीग्रेट करोगे, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू फ्रॉम जीरो टू अंडर रूट थ्री, प्लस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फोर को हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि टू स्क्वायर, यानी कि फोर, फोर बाई टू करेंगे तो टू, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन टू, ठीक है ना। लिमिट क्या होगी? अब मुझे थोड़ा सा यहां से चीजें हटाना पड़ेगा, ये एक्स डैश है और इसका कोऑर्डिनेट है माइनस टू कॉमा जीरो, लिमिट साइज की अंडर रूट थ्री से टू। बगाओ समझ आ रहा है ना इतना, और कैलकुलेट कर लीजिए इसको, वन अपॉन ये टू आप चाहो तो बाहर कर दो या ना बाहर करो, पहले x की जगह पर लिमिट लिखोगे तो अंडर रूट तीन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, थ्री बाई टू, माइनस जीरो कर दोगे तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, प्लस इसमें अपर लिमिट पहले अप्लाई करो, अपर लिमिट अप्लाई करोगे मतलब दो लिखोगे, यहां टू लिखा यहां टू लिखा, टू का स्क्वायर क्या बना और फोर माइनस फोर क्या हो गया, ठीक है जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो ही हो गया फिर तो, प्लस अब फिर ध्यान से यहां टू लिखोगे टू अपॉन टू क्या आ गया वन, तो साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई टू, तो ये तो टू हमने लिख दिया, साथ में साइन इनवर्स वन वाला पाई बाई टू आ गया, फिर माइनस, अब सब जगह अंडर रूट तीन लेना पड़ेगा मुझे, तो अंडर रूट थ्री अब लिखेंगे हम, इसको हम यहां नीचे कर लेते हैं, माइनस बेटा लिखो अंडर रूट तीन इसकी जगह पर,
इसमें अंडर रूट तीन लिखोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट तीन बटे दो। अंडर रूट तीन का स्क्वायर करोगे तो तीन, अब चार माइनस तीन एक का वर्गमूल, तो एक के साथ तीन बटे दो गुणा करोगे यही आ जाएगा। प्लस यहां पर लिखेंगे टू साइन इनवर्स और एक्स की जगह अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन बटे दो, अंडर रूट तीन बटे साइन सिक्सटी का मान होता है पाई बाई थ्री, बिल्कुल सही। तो ये टू रहेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री, ठीक। और सॉल्व कर लो, ध्यान से देखना, इस अंडर रूट तीन से इस तीन को हम कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार में, अंडर रूट थ्री बाई टू टाइम्स, तो अंडर रूट थ्री अपॉन टू, फिर प्लस ये टू से टू कैंसिल तो ये क्या बच गया पाई, फिर माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू माइनस टू पाई बाई थ्री, बाहर माइनस से निशान बदल जाएगा ना, अंडर रूट थ्री बाई टू से अंडर रूट थ्री बाई टू कैंसिल हो गया, पाई में से टू पाई बाई थ्री चला जाएगा तो पाई बाई थ्री बचेगा और यही स्क्वायर यूनिट में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो जरा 8.1, सिक्स नंबर है पाई बाई थ्री स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगा चुके हैं और अभी भी लगाया, अभी बताओ अगर कोई डाउट हो तो पूछिए आप हमसे, आ गया है समझ में तो आप नोट कर लें इससे जल्दी से। इसके बाद सेवेंथ नंबर कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। लिखा हुआ है छेदक रेखा एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब एक लाइन है और एक वृत्त है, जब उनको दोनों को हम एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाते हैं तो जो लाइन होती है वो वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। अब जब प्रतिच्छेदित करेगी तो वृत्त के दो टुकड़े हो जाते हैं उस लाइन के। जब आप वृत्त बनाएंगे और ऐसा हमने एक लाइन बना दी तो इस लाइन ने वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दिया उसने। अब उन्होंने बोला उसमें से जो छोटा वाला पार्ट है, छोटा वाला पार्ट उसकी वैल्यू मुझे उसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये है वो वृत्त और ये है वो रेखा। सबसे पहले क्योंकि हमें बनाना है इनका फिगर तो मुझे इनके बारे में डिटेल चाहिए ताकि हम बना तो सके कम से कम। लाइन के बारे में सबसे पहले निकालेंगे तो लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू। आपको नहीं लगता कि ये एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की लाइन है, और एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की लाइन कैसी होती है, वाई अक्ष के समांतर। तो ये लाइन वाई अक्ष के समांतर है और एक्स अक्ष को ए अपॉन अंडर रूट टू डिस्टेंस पर काटती है। तो यहां पर लिख देंगे रेखा वाई अक्ष के समांतर, रेखा वाई अक्ष के समांतर तथा एक्स अक्ष को, रेखा वाई अक्ष के समांतर तथा एक्स अक्ष को ए अपॉन अंडर रूट टू दूरी पर काटती है। ठीक है भैया, अच्छा ये लाइन के बारे में हमें जानकारी हासिल हो गई। वृत्त का सोचिए, वृत्त तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसको देखकर बता सकते हैं कि इसका केंद्र कहां पर पड़ेगा, 0,0। इसका रेडियस कितना होगा, ए यूनिट के बराबर। बस फिगर बनाने के लिए जितना नॉलेज हमें चाहिए था वो हमने ले लिया, अब हम फिगर बना सकते हैं। ये हमने एक वृत्त बना दिया यहां पर, ये एक्स एक्सिस हो गई एक्स डैश वाई और ये वाई डैश, ठीक है। ये उसका सेंटर हो गया 0,0। बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि रेडियस ए है तो ये डिस्टेंस ए होगा, ए कॉमा जीरो। ये आएगा माइनस ए कॉमा जीरो,
ये 0, a और ये होगा 0, -a। बउआ ठीक है ना। अच्छा इसके बाद वृत्त बना लिया मैंने, अब लाइन की बारी है। वाई एच के समांतर और ए अपॉन अंडर रूट टू डिस्टेंस पर, ए अपॉन अंडर रूट टू डिस्टेंस, ये नंबर 2 से छोटा है इसलिए डिस्टेंस ए बाई 2 से बड़ी आएगी। तो ए बाई 2 अगर यहां पर आएगा, भाई देखो बउआ टोटल कितनी डिस्टेंस है, ए बाई 2 कहां पड़ेगा, यहां पर बीच में कहीं पर, तो a बाई अंडर रूट टू थोड़ा और आगे पड़ेगा चल के, इसमें a बाई 2 से a अपॉन अंडर रूट 2 का मान ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा सोचिए जरा, इन दोनों में हर किसका छोटा है, अंडर रूट 2 1.4 और ये तो 2 है, तो इसका हर छोटा, तो बेटा इसकी वैल्यू बड़ी नहीं हो जाएगी और इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, तो a बाई 2 छोटा पड़ जाएगा, a बाई अंडर रूट 2 बड़ा पड़ जाएगा, तो ये करीब करीब थोड़ा यहां पर कहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा दो बस, आधे से उधर कर दीजिए बस आप, अगर ये हाफ है तो आधे से थोड़ा इधर बना देते हैं हम। वाई एच के समांतर ये देखिए, ये लाइन आ गई हमारी, x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2। क्या आप बता सकते हैं इसका निर्देशांक क्या होगा, या मुझे ये कटान बिंदु निकालने पड़ेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो ये लाइन का समीकरण क्या है, x बराबर a बटे अंडर रूट 2, तो इस ये लाइन जहां जहां से निकल जाएगी हर जगह x का मान एक बटे a बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो बउआ इस जगह भी a बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो a अपॉन अंडर रूट 2 ऐसे यहां लिख लो, a अपॉन अंडर रूट 2 कॉमा 0। ठीक है, हमने लाइन भी बना लिया, हमने वृत्त भी बना लिया, सारा कुछ हमने कर लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस एरिया कौन सा चाहिए मुझे, इस लाइन ने, आपने देखा इस लाइन ने वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए, देखो कैसे, ये हमने वृत्त बनाया, ये हमने लाइन बनाई, क्योंकि यहां हमने वाई अक्ष और एक्स अक्ष भी बनाए हैं, तो बच्चों को थोड़ी कम समझ में आना शुरू हो जाता है, बोले छोटा क्षेत्रफल कौन सा है, बोले ये वाला भी तो पतला पतला छोटा लग रहा है, ऐसा नहीं है, केवल आप वृत्त और लाइन को देखिए बस, ये वृत्त और इस लाइन को देखिए, 2 टुकड़े हो गए वृत्त के, उसमें से छोटा भाग कौन सा पड़ेगा, ये वाला छोटा भाग है, तो हमको बस इसका एरिया मालूम करना है, इसका, समझ आया आपको, यहां पर वो हिस्सा कहां पर पड़ेगा, यहां पर ये हिस्सा ये पड़ेगा, देखो ये है वो हिस्सा जिसका क्षेत्रफल हमें मालूम करना है। बेटा समझ आई भैया आपको, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, छेदक रेखा x बराबर a अपॉन अंडर रूट 2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल, ठीक तो है, यही छोटा भाग है, आप सोचोगे आप तो नीचे साइड भी आ गए यहां पर, तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि प्रथम चतुर्थांश बोला है उन्होंने, ऐसा तो कुछ किया नहीं है, तो हमको पूरे में निकालना ही पड़ेगा। अब इसको निकाला कैसे जाए, क्या तरीका होगा बता सकते हैं आप मुझे, इसको कुछ नाम रख देते हैं, ये O है, इसका ये A है, ये B है और ये C है, इसका कोऑर्डिनेट ये मैंने यहां पर लिख दिया है आकर के, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे चाहिए, क्या करना पसंद करेंगे बताइए आप, वर्टिकल स्ट्रिप बना लेंगे और पहले हम ए बी सी ए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ऊपर वाले टुकड़े का, और उसका क्या कर देंगे 2 गुना, भले देखने में छोटा लग रहा है बड़ा लग रहा है, पर सममितता के आधार पर देखेंगे तो दोनों बराबर आएंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 2
ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ फिगर ए बी सी ए. देखा बेटा आपने ए बी सी ए, इसका एरिया निकाल के डबल कर देंगे, टोटल आ जाएगा ये टू. ये एरिया निकालने के लिए, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है हमने, फॉर्मूला लेंगे वाई डी एक्स. ये वाई कहां से लेना है बोलिए, कर्व से लेना है, क्योंकि कर्व के नीचे है. अगर पट्टी की तरफ चलोगे तो कर्व, ठीक है. और वैसे भी हमारी लाइन में वाई है नहीं कहीं पर. अच्छा लिमिट बताइए कहां से कहां तक लेने पड़ेंगे, चेक करो जल्दी से. एक्स अक्ष से लेंगे, एक्स का मान लेंगे. यहां से चलना शुरू किया, स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ, अब खत्म हो गया. तो ए से शुरू बी पर खत्म. तो ए पर जो एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट, बी पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट होगी. ए अपॉन अंडर रूट टू, और यहां पर क्या हो जाएगा ए. सॉल्व कर लीजिए टू. कर्व से वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम ए अपॉन अंडर रूट टू टू ए. फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन ए. लिमिट्स फ्रॉम a अपॉन अंडर रूट टू टू ए, ये इसके लिमिट्स हैं. अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे. एक काम आप कर लो, ये अपॉन टू कॉमन लेके इस ऊपर वाले टू को कैंसिल कर दो पूरा, ठीक है. तो टू का तो झंझट खत्म हो जाएगा. अब केवल लिमिट लिमिट अप्लाई करनी है आपको. पहले जहां जहां एक्स है सब जगह ए लिखिए. जब ए लिखने आओगे, यहां ए लिखोगे फिर यहां ए लिखोगे, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. यहां पर ये ए स्क्वायर बाई टू, ओ आई एम सॉरी, बाई टू तो चला जा चुका है, कॉमन लिया जा चुका है. ए स्क्वायर और साइन इनवर्स ए अपॉन ए, साइन इनवर्स ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, पाई बाई टू. अब लोअर लिमिट सब जगह अप्लाई करना है, तो पहले x की जगह a अपॉन अंडर रूट टू लिखोगे तो यह आ जाएगा a अपॉन टू अंडर रूट टू. ये लिखेंगे ना, टू तो ये लिखा रहेगा, x की जगह a अपॉन अंडर रूट टू ये आ गया. ओहो, टू कॉमन लेके जा चुका है तो हमें याद ही नहीं रह रहा है, क्योंकि टू हम कॉमन ले चुके हैं. इसको हम हल्का हल्का इसे कर दें क्या, ठीक है. x की जगह a अपॉन अंडर रूट टू इसमें करोगे बुआ तो बताइए क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा. इसका स्क्वायर करोगे तो अब ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बाई टू माइनस करोगे, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू का वर्गमूल लोगे, a अपॉन अंडर रूट टू प्लस ये ए स्क्वायर लिख दिया हमने, साइन इनवर्स a अपॉन अंडर रूट टू करोगे तो a से तो a कट जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट टू. साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट टू की क्या वैल्यू होगी, पाई बाई फोर. भाई वन अपॉन अंडर रूट टू साइन पाई बाई फोर होता है ना, इस वजह से. अब देखिए ए स्क्वायर पाई बाई टू, ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस इसका क्या होगा, ए स्क्वायर बाई टू माइनस, क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई फोर. देखिए ए स्क्वायर पाई बाई टू में ए स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस कर देंगे आप तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई फोर. भाई बाई टू में बाई फोर माइनस हो जाएगा, आधे में एक चौथाई माइनस होगा तो एक चौथाई तो बच जाएगा. नहीं समझ में आया, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू. आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन वगैरह कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई फोर अगर कॉमन लेंगे तो पाई माइनस टू ये आ जाएगा, इतने स्क्वायर यूनिट. ये उस छोटे भाग का क्षेत्रफल आ जाना चाहिए 8.1
एक्सरसाइज है ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन। ठीक है, उन्होंने ए स्क्वायर बाई टू बाहर किया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है ना, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। यदि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एवं रेखा x इज इक्वल टू फोर से घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक वक्र है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक रेखा है x इज इक्वल टू फोर, इनसे जो क्षेत्रफल घिरता है, जो एरिया बाउंड होता है इनसे, वो वाला एरिया x बराबर a द्वारा दो बराबर बराबर भागों में बट जाया करता है। तो उन्होंने पूछा अगर ऐसा है तो a का मान बताओ। फिर से सुनो क्वेश्चन, ये एक कर्व है, ये एक लाइन है, इन दोनों से घिरा हुआ एक बाउंडेड रीजन है, कोई क्षेत्र है। वो क्षेत्र में जब हम ये वाली लाइन बना देते हैं तो वो पूरा का पूरा एरिया दो बराबर बराबर एरियाज में डिवाइड हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो उन्होंने आपसे पूछा है तो ए का मान फिर बताइए क्या होगा। समझ आ रहा है कुछ? तो पहले बनाएंगे हम फिगर और उसके बाद ही तो हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे तो भाई हमको कुछ पता नहीं है, तो पहले फिगर बनाएंगे। सबसे पहले कर्व की जानकारी बताइए मुझे, आपको नहीं लगता ये कर्व वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स लिखा हुआ है? थोड़ा सा ऐसा वैसा कर लो बस इसको। और ये किस टाइप का कर्व है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स टाइप का कर्व है, मतलब ये एक परवलय है, और ऐसा परवलय जिसका अक्ष कहां पर है, जिसका अक्ष पॉजिटिव एक्स अक्ष पर पड़ रहा। आ गया समझ में? ये वाली लाइन x इज इक्वल टू फोर, क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? ये लाइन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की लाइन है, अर्थात y अक्ष के समांतर। पैरेलल टू y एक्सिस, और गुजरती कहां से है? x इज इक्वल टू फोर एंड पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू फोर। ऐसा ही ये जो तीसरी लाइन है जो हमारे पूरे रीजन को, बाउंडेड रीजन को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, दैट लाइन विल बी x इज इक्वल टू a। हम इसके बारे में भी समझ सकते हैं क्योंकि ये लाइन भी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की लाइन है, इसलिए ये लाइन भी y अक्ष के समांतर है। दिस लाइन इज अगेन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू a। ठीक, अब इतनी जानकारी हो गई है तो बड़ी आसानी से हम तो फिगर बना सकते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, यहां पर ये x, ये y, x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। इस पर सबसे पहले एक पैराबोला बनाया जाएगा, तो ये हमने एक पैराबोला बना दिया। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है बेटा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये भैया ये पैराबोला बना दिया हमने। अब हमको ये लाइन बनानी है एक्स इज इक्वल टू फोर, वाई अक्ष के समांतर एक्स बराबर चार से जाएगी, वाई अक्ष के समांतर और एक्स बराबर चार, तो एक दो तीन चार। ठीक है ना, एक्स बराबर चार से गुजरेगी तो लाइन कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से ये लाइन आ जाएगी बेटा, ऐसे। कौन सी लाइन आ गई? ये लाइन आ गई एक्स इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अगर ये लाइन एक्स इज इक्वल टू फोर है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप मुझे? 4,0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब ये जितना भी एरिया इस कर्व और इस लाइन में बाउंड किया हुआ है, इतना हिस्सा पूरा बाउंडेड है,
एक लाइन तीसरी ये है x इज इक्वल टू a, ये जब लाइन हम बनाते हैं तो ये पूरे एरिया को, पूरे रीजन को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। मतलब ये लाइन यहां कहीं बन जानी चाहिए फिर तो, है कि नहीं? तो ये लाइन हम यहां कहीं बना देते हैं, y अक्ष के समांतर ये भी है और ऐसे आ जाएगी, तो ये लाइन आ गई x इज इक्वल टू a, ठीक। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट बहुआ क्या हो जाएगा, a कॉमा जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमको, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ये जितना भी पोर्शन पूरा ये इसमें से आ रहा, ये वाला एरिया इस एरिया के कैसे है, बराबर है। क्वेश्चन के मुताबिक, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पर क्या करना चाहिए, दोनों एरियाज निकालने चाहिए और दोनों को आपस में बराबर कर देना चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो हम इसके कुछ नाम रख दीजिए आप, ओ ए बी सी डी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए, प्रश्नानुसार यह होना चाहिए कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए। आंसर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल रेखांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। बउआ हो, क्या लैंग्वेज कुछ समझ में आई आपको? इतना सा पोर्शन मैंने क्या किया है, छायांकित किया है, और इतना सा हिस्सा क्या किया है, रेखांकित। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल रेखांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर रहना चाहिए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, उसके लिए हम इतने का एरिया निकालेंगे और डबल कर देंगे, रेखांकित के लिए इतने का एरिया निकालेंगे डबल कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ फिगर, कौन सा फिगर लिखा जाए बताइए, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये जो ओ ए बी ओ है इसको निकाल के डबल कर दे रहे हैं। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, डबल कर देंगे, क्या निकाल करके, एरिया ऑफ फिगर, बताओ नाम बोलो, ए सी डी बी, ए सी डी बी ए, चाहे वापस कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो नहीं सोचते हो कि ओ वापस ले आते हैं, किसमें लाएंगे किसमें नहीं लाएंगे, आप वापस ला दोगे तो भी बाउंडेड है तो वापस ला देते हैं, दो से तो दो पहले ही लाइन में कट जाएगा, हटाओ इसको, ठीक है ना। इसका एरिया ओ ए बी ओ का एरिया कैसे निकाला जाए, दोनों के लिए वर्टिकल स्ट्रिप से ही काम चलाइए आप, दोनों वर्टिकल स्ट्रिप ही ले लीजिए आप ऐसे। तो क्या सूत्र बना भैया, फॉर्मूला बना, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां बताओ, इस वाले का बताइए, जीरो से ए, वेरी गुड, फ्रॉम जीरो टू ए, उधर का बताओ वाई डी एक्स, तो लगेगा लिमिट्स, सही सही बताओ, गलती ना करना, सोच लो अभी, जीरो से फोर, पक्का, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अच्छा y का मान लिखिए, और कहां से लाएंगे, कर्व से, लाइन से कहां से चाहिए, कर्व से, लाइन में वैसे भी नहीं है, y का मान अंडर रूट x, अंडर रूट x dx फ्रॉम जीरो टू a, अंडर रूट x dx फ्रॉम a टू फोर, अंडर रूट x का इंटीग्रल 2 बाई 3 x टू द पावर 3 बाई 2 फ्रॉम 0 टू a, इसका भी 2 बाई 3 x टू द पावर 3 बाई 2 फ्रॉम a टू 4,
टू बाई थ्री से टू बाई थ्री कैंसिल हो गया, देखिए ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले इसकी जगह a लिखा जाएगा, तो बुआ ये आ जाएगा a टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस, फिर x की जगह जीरो लिख देंगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा इज इक्वल टू, यहां x की जगह पहले फोर लिखेंगे तो फोर टू दी पावर थ्री बाई टू, फोर टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस, अब इस x की जगह पर a लिख देंगे तो a टू दी पावर थ्री बाई टू, a टू दी पावर थ्री बाई टू, और सॉल्व कर लो, इसको इधर लेते आइए तो ये इसमें आके जुड़ जाएगा, a टू दी पावर थ्री बाई टू और a टू दी पावर थ्री बाई टू मिलके बउआ क्या बना लेंगे, टू ए टू दी पावर थ्री बाई टू, और इधर फोर टू दी पावर थ्री बाई टू का क्या किया जाए, चार का वर्गमूल लेके उसका घन कर दीजिए, चार का वर्गमूल दो, दो का घन किया तो कितना आ गया आठ, फिर दो से इसको काट दिया तो a टू दी पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू फोर, a इज इक्वल टू फोर टू दी पावर दो बटे तीन, अब चार का घनमूल लेके वर्ग करो या चार का वर्ग करके घनमूल कर दो, तो घनमूल लेके वर्ग तो चार का घनमूल अच्छा कितना आएगा, अच्छा चार का वर्ग कर दो सोलह, सोलह का घनमूल ले लीजिए, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, दो अंडर रूट दो, नहीं नहीं आंसर में किस तरीके से दे रहे हैं, अच्छा ये देख लो पहले 8.1 जो एक्सरसाइज आएगी, फोर टू दी पावर टू बाई थ्री, बस ऐसा ही दिया जा रहा है आंसर आपका, वो करने में थोड़ी डिफिकल्टी है क्योंकि वन बाई थ्री पावर आ रही है ना इस वजह से। अब आप बताइए ये आपको समझ आया कि नहीं आया, आ गया, तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एट्थ नंबर, नाइन नंबर और उसके बाद के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे पर अगली क्लास पे, तो आज मैथ्स में इतना ही रखते हैं, चलते ही मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है, थैंक यू।